Welcome students, this is the second class or the second part of the first chapter, which is the Indian economy on the eve of independence. Our next topic is what was the condition of industrial sector on the eve of independence. The first point is decline of handicraft industries or deindustrialization. अब हो क्या रहा था कि जो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डिके हो चुकी थी. हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी. अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था इट वाज ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़. व्हाट आर टैरिफ पॉलिसीज़? टैरिफ पॉलिसीज़ इज़ अ टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. जब भी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट पे कोई भी टैक्स लगा देती है उसको हम टैरिफ बोलते हैं. चलिए अब हुआ क्या था, ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हम इसको क्यों कह रहे हैं? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब भी हमारी कंट्री से कोई भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जब एक्सपोर्ट होता था तो टैरिफ होता था, टैरिफ फ्री होता था. इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे रॉ मटेरियल पे, इफ़ रॉ मटेरियल एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. सिमिलरली टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया. दैट मींस कि जब भी ब्रिटिश से कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारी कंट्री में इम्पोर्ट होके आएगा उसके ऊपर भी कोई भी टैक्स नहीं था. बट दे प्लेस्ड हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. दैट मीन्स अगर हमारी कंट्री में जो हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स अपने बाहर की कंट्री में कहीं पे भी वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दे हैव टू पे टैक्स. सो दैट बिकम दैट इज़ इट इज़ नॉट वेरी प्रॉफिटेबल फॉर देम टू एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया. तो इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेटरी थी बिकॉज उसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्ट गेनिंग इंडियन मार्केट. अब क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर हमको बाहर से सस्ती मिलेगी तो उसकी डिमांड हमारी कंट्री में ज़्यादा होगी. सिमिलरली इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट. रीज़न बीइंग कि फॉरेन मार्केट तो उनको नहीं मिल रही है. रीज़न क्योंकि उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है. अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी देंगे दैट मीन्स एक्सपोर्ट टैक्स देंगे तो उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है कि वो बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करें. लेकिन डोमेस्टिक उनको मार्केट भी वो लूज़ कर रहे थे. रीज़न क्योंकि जो बाहर की जो ब्रिटेन के जितने भी प्रोडक्ट्स जो आते थे दे वर मशीन मेड. अगर वो मशीन मेड होंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम आता है. अगर आप इसको वैसे समझिए, कोई भी मशीन से कोई चीज़ बनाई जा रही है वो बहुत जल्दी बन सकती है और उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा. और वो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा. उसी तरह से अगर हम देखेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्योंकि वो हैंडीक्राफ्ट है इसका मतलब ये है कि वो हाथों से बनाया जा रहा है. दैट मीन्स उसमें लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है, वो एक्सपेंसिव होगा. अगर वो एक्सपेंसिव होगा दैट मीन्स कि जो भी अगर आप एज ए कंज्यूमर अगर हम समझेंगे तो हमको कोई भी चीज़ जो हमको चीपेस्ट रेट पे मिलेगी हम लोग वही बाय करते हैं, वही परचेस करते हैं. सिमिलरली हमारी कंट्री में भी ये हो रहा था. जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन आर मोर कॉस्टलियर. दैट इज़ वाई दे वर लूजिंग देयर मार्केट. इसका एक और रीज़न ये भी था, इट वॉज बिकॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स से पहले कंट्री वॉज रूल्ड बाय नवाब्स, राजास, प्रिंसेस. सो दे यूज़ टू पेट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट. वो क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट को बहुत सारा पेट्रोनाइज करते थे, उनको सपोर्ट करते थे. लेकिन जैसे ही हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का रूल आया तो जितने भी ये जो राजा महाराजा वगैरह थे ये सारे के सारे यहाँ से चले गए. जिसकी वजह से क्या हो गया, जैसे ही प्रिंसली कोर्ट्स जो हैं वो हमारी कंट्री से गए उसी तरह से हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी बिकॉज नो वन दे वॉज अवेलेबल फॉर देम टू पेट्रोनाइज देम और दे सपोर्ट देम. दैट इज़ वाई दे हैव नो अदर वे बट दे हैव टू शट डाउन देयर इंडस्ट्रीज. ओके, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज.
देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. मशीन मेड प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन वर ऑफ लो कॉस्ट एंड दे वर वेरी मच गुड इन क्वालिटी एंड प्रिसीजन. दैट इज़ वाई दे गिव स्टिफ कॉम्पिटिशन टू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स. तो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए जब जैसे ही इतनी ज़्यादा डिमांड जो है हुआ क्या था कि अगर डिमांड जो है मशीन मेड प्रोडक्ट्स की ज़्यादा इसलिए हो रही थी क्योंकि वो चीपेस्ट थे. अगर वो चीपेस्ट हैं इसका मतलब ये है कि लोग उनको ज़्यादा परचेज़ करेंगे. जब उनको ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं क्योंकि वो कॉस्टली है उसको लोग नहीं परचेज़ करेंगे, उसकी डिमांड नहीं है. और जिस चीज़ की डिमांड नहीं होती तो उसकी सप्लाई भी प्रोड्यूसर को कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या हो गया जो जो हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स थे जो हमारे कंट्री में डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे दे वर फोर्स टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेज और इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर दोज गुड्स इंडस्ट्री विच आर यूज फॉर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकॉज दे वर यूज इन फर्दर प्रोडक्शन. अब हुआ क्या, हमारी कंट्री में जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी दे वर डिकेइंग और मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने उनकी जगह नहीं ली उतनी ज़्यादा और दे वर इन इन्फेंट स्टेज. दिस शोज़ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर. अनदर पॉइंट इज चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड. चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्योंकि हुआ क्या था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मशीन मेड हैं वो क्या है बहुत ही उनकी जो क्वालिटी है उनका जो प्रिसीशन है दैट वाज वेरी गुड एंड दे आर वेरी एट लो प्राइस. तो लोग उनकी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे. डिमांड में चेंज हो रहा था, कल्चर में चेंज हो रहा था. ज़्यादातर लोग जो है जो मॉडर्न कल्चर है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे. जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं जो हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर हैं हैंडीक्राफ्ट जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो लोग खरीद नहीं रहे थे. उसकी वजह से भी जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ. देन नेक्स्ट इज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ रेलवेज़. अब रेलवेज़ का क्या इफ़ेक्ट है, इसका बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट रहा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बिकॉज इट हैज़ क्विकेंड द प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. बिकॉज रेलवे ने क्या हेल्प करी, क्योंकि जो एरिया जो पहले अनरीचेबल था अब वहाँ पर ईजीली रेलवे के थ्रू वहाँ पर जो ब्रिटिश मेड गुड्स थे वो ईजीली पहुँचाए जा सकते थे. अगर वो प्रोडक्ट ईजीली पहुँचाए जा सकते हैं दैट मीन्स कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो लो कॉस्ट के थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी. और फिर हुआ क्या कि रेलवे की वजह से उन प्रोडक्ट्स को ईजीली ऐसी जगहों पर पहुँचाया जा सकता था जो कि पहले अनरीचेबल थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश प्रोडक्ट के जो मार्केट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती गई और जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे हमारी शट डाउन होती गई. अब हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी कंट्री को क्या कर दिया, उन्होंने हमारी कंट्री को एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया एंड दे मेड अवर कंट्री एज ए डेस्टिनेशन और मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश्ड गुड्स. दैट मीन्स उन्होंने हमारी कंट्री को एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया, एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया. हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने यहाँ से टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किया, अपनी कंट्री में रॉ मटेरियल लेके गए, वहाँ पर उन्होंने फिनिश गुड्स बनाए और फिर यहाँ पर हमारी कंट्री में टैरिफ फ्री उन्होंने एक्सपोर्ट किया और फिर अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ्लरिश किया क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लगी. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी. तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एंड अनदर पॉइंट इज स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. एंड व्हाई इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिकेइंग,
Another reason was disappearance of princely goods and competition from machine-made goods, which are relatively very good quality and are at low price. Next topic is foreign trade, volume and direction. Before the colonial period, India was well-known exporter of finished goods like silk, cotton, handicraft, etc. But after the Britishers, because of their discriminatory tariff policies, India became the exporter of primary products and importer of finished goods. अब हुआ क्या था कि जितनी भी इसने टैरिफ पॉलिसीज़ जो उनकी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो जो उन्होंने बनाई उसकी वजह से हुआ क्या था, इंडिया जो था जितने प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं दैट मीन्स द रॉ मटेरियल जो है उसका जो एक्सपोर्टर बन चुका था, और जो इम्पोर्टर था वो किसका था, फिनिश गुड्स का, क्योंकि हमारी इकॉनमी में एकदम से बहुत ज़्यादा जो सप्लाई थी रॉ मटेरियल्स की, सॉरी फिनिश गुड्स की, बहुत ज़्यादा जो सप्लाई थी फिनिश गुड्स की, ब्रिटिश मेड फिनिश गुड्स की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड. हुआ क्या था कि जो इंडिया का जो ट्रेड था, इट वाज़ मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन. जितना भी हमारा जो ट्रेड था वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ही रिस्ट्रिक्ट हो गया था, और इसका एक रीज़न ये भी था बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल. इन दिस पिक्चर यू कैन ईजिली सी दैट देर इज स्विस कैनाल, हेयर इट इज़ स्विस कैनाल. बिफोर दैट होता क्या था कि इससे पहले जब ये स्विस कैनाल बनी थी, उससे पहले जो भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो होना था वो इंडिया के जो मुंबई जो पोर्ट है वहाँ से होता हुआ अफ्रीका के बिल्कुल साउथ से क्रॉस करके फिर वो लंदन जाता था. लेकिन जब स्विस कैनाल जो थी 1869 में जब ओपन हुई, उसने क्या किया, जो कैनाल है ये जो जो लैंड था, जो इस्थमस था, इसको कट करके बनाया गया था, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई थी. रीज़न बीइंग कि जो रास्ता था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो चुका था, अभी उनको पूरा जो अफ्रीका है उसको क्रॉस करके जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो यहाँ से जो वेस्ट एशिया वाला जो एरिया है यहाँ से ही क्रॉस करके डायरेक्टली यूरोप में जा सकते थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई और उनके लिए बहुत ही इजी हो गया कि जो ब्रिटिशर्स जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया में ला सके और रॉ मटेरियल को इजीली बहुत ही कम कॉस्ट में वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते थे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकॉनमी. मैंने आपको जैसे आपको बताया है कि इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेट इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज़ अ ब्रिटिश मेड फिनिश गुड्स. अब उसकी वजह से हुआ क्या था, देर वॉज ट्रेड सरप्लस, दैट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वॉज ग्रेटर दैन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स. बट ये हुआ क्या था, ये जो ट्रेड जो सरप्लस जो जनरेट हो रहा था, दैट मीन्स वी वर एक्सपोर्टिंग द प्राइमरी गुड्स, दिस ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट यूज टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड द एक्सपेंसेज ऑफ वॉर्स फॉट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. हुआ क्या था कि जितने भी जो गवर्नमेंट जो जो सरप्लस जो जनरेट हो रहा था वो इंडिया की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हुआ था, जबकि जितने भी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारी कंट्री को रूल कर रही थी, बिकॉज वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, वो हमारी कंट्री को रूल कर रही थी, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए उनको जितने भी एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती थी वो हमारी कंट्री से ही यूज़ करते थे, जो कि ट्रेड सरप्लस जो जनरेट हुआ है वो उसी को, उसी मनी को वो यूज़ कर रहे थे हमारी कंट्री में हम ही को रूल करने के लिए. और जितने भी वॉर्स वगैरह जो ब्रिटिशर्स जो लड़ रहे थे बाहर की कंट्रियों से जस्ट टू एक्सपैंड देयर एम्पायर,
जितने भी वॉर एक्सपेंडिचर्स वगैरह थे वो भी ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमारे जो ट्रेड सरप्लस जनरेट हो रहा था उसकी वजह से वो फुलफ़िल कर पा रहे थे और वो उसी ट्रेड सरप्लस को यूज़ कर रहे थे। जो ये जो थ्योरी जो थी ये जो जो भी कुछ हो रहा था जो इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था बिकॉज द इंडियन मनी वॉज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बट दैट वॉज यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये सब जो भी चीज़ें हो रहे थे उसकी वजह से एक थ्योरी दी थी दादा भाई नरोजी ने। उन्होंने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, दैट मीन्स दैट थ्योरी इज़ नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बिकॉज इंडिया का जितना भी वेल्थ है वो ड्रेन आउट हो रहा है बट दैट वेल्थ इज़ नॉट यूज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकॉनमी। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज लेसन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। That is all for the today's lesson. I will meet you in the next class.